व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। और भाई काफी टाइम बाद हम फाइनली एक बुफे वीडियो शूट कर रहे हैं। लास्ट बुफे वीडियो मैंने शूट किया था तकरीबन 7-8 महीने पहले, बैंगलोर में मैंने एब्सोल्यूट बारबेक्यू शूट किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके डेफिनेटली देख लेना। आज हम एक नई जगह पे जो है कारवा मेन्यू इन थाने। अब ये स्टैंड अलोन प्लेस है, ऐसे को जैसे ब्रांचेस नहीं है। यहाँ का बुफे मैं करने वाला हूँ आज ट्राई। अपनी फैमिली के साथ ऐसे एक डिनर पे आया हूँ तो सोचा कि थोड़ा आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाए। यहाँ पे मोस्टली मैं अपने फैमिली टाइम के लिए आया हूँ, लेकिन आपको बिट्स एंड पीसेस में यहाँ का फूड भी दिखा दूंगा। और ये वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये जगह के प्राइजेस कितने हैं वेज और नॉन वेज बुफे के, कितना रिकमेंड करूंगा मैं आप सभी को, ये आपको इस वीडियो के एंड में मालूम पड़ने वाला है। और सो यार, जब हम लोग बुफे खाने जाते हैं तो दो किस्म के लोग होते हैं। एक मेन कोर्स के साथ डिजर्ट खाना पसंद करते हैं और एक एपेटाइजर्स के साथ डिजर्ट खाना पसंद करते हैं। आप कौन सी टीम हो? टीम एपेटाइजर्स एंड डिजर्ट्स या टीम मेन कोर्स एंड डिजर्ट्स? नीचे कॉमेंट करो। तब तक हम लोग चलते हैं ऊपर। अंदर आके सेटल होने का भी टाइम नहीं मिला और फटाफट से स्टार्टर्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। मैं सोचा था मैं अंदर आऊँगा थोड़ा बात करूँगा, बट भाई टाइम नहीं है भाई, बुफे खाने आते तो टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे मेरे पास इन्होंने फटाफट से मटन सीख कबाब दे दिए हैं, काफ़ी नरम लग रहे हैं, काफ़ी नरम है ये। चिकन मोमोज, ओके हमारे पास आ चुके हैं चिकन मोमोज। ये दही से पूरी फटाफट ट्राई करते हैं। इट्स वेरी स्वीट, काफ़ी स्वीट है ये। दिस कैजून स्पाइस्ड पोटैटोस, ये पिज़्ज़ा डाल दिया इन्होंने। सबसे पहले लेट्स ट्राई दिस चिकन मोमोज। चिकन मोमोज काफ़ी टेंडर है और जो इनकी बाहर से जो लेयर होती है वो काफ़ी नरम है और काफ़ी अच्छी है। चिकन की फिलिंग भी ऑनेस्टली काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेस्टोरेंट में मोमोज मिल रहे हैं तो स्टफिंग अच्छी ना हो। द स्टफिंग इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। दिस इज़ अ वेज पिज़्ज़ा, यहाँ पे इसके टॉपिंग्स पे कॉर्न, कैप्सिकम, टोमेटो एंड चीज़ है। पिज़्ज़ा इज़ क्वाइट गुड। हम लोग खा रहे हैं और यहाँ पे हमारा पूरा ग्रिल भी लगता जा रहा है। चिकन, प्रॉन्स, मशरूम, बारबेक्यूड पाइनएप्पल, पनीर, मशरूम, देयर्स अ लॉट टू ईट फॉर अस टुनाइट। वी विल ट्राई द केजून स्पाइस्ड पोटैटोस। Look at this! Oh my God! Sir, chicken pizza. Yes? Chicken pizza. We got a chicken pizza here. Cajun spice potato, बहुत अच्छे थे। Next up we have this chicken tangri, एकदम गर्म लग रही है और बहुत सही लग रही है। Hello, chicken pizza चाहिए आपको? Hello, चाहिए आपको? Chicken tangri is very good. और कुछ ठंडी हो गई है? Obviously बात है क्योंकि पड़ा हुआ था। टेस्ट इज फैंटास्टिक। चिकन एकदम टेंडर है, अच्छा खासा ऑयल लगा हुआ है, वेरी फायरी एंड स्मोकी। ये चिकन पिज्जा बहुत अच्छा था। दिस इज देयर काजू का कोई वेज कबाब। दिस नॉट काजू, दिस पीनट्स, वो काफ़ी अच्छा है। सो फार जो भी ट्राई किया है एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड। कोई भी बुफे प्लेस में जाते हो तो क्या स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हो? अब तक जो भी खाया है वो मैच कर रहा है। ग्रिल में से अभी तक कुछ नहीं लिया है, हम लोग ग्रिल में से खाने वाले हैं। नेक्स्ट अप लेट्स ट्राई दिस पानी पूरी। मोर ऑन द स्वीटर साइड, चटपटा है मेरे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा स्वीट है बट अच्छा है पानी पूरी भी। लेट्स ट्राई दिस चिकन फ्रॉम द ग्रिल नाउ। चिकन इज़ वेरी टेंडर। जब हम लोग चिकन खाते हैं तो बाहर का जो ग्रिल का टेस्ट आता है ना, ब्लैक कलर का टेक्सचर, काफ़ी अच्छा आ रहा है। डिसेंट स्पाइसी है, नॉट ओवरली स्पाइसी। चिकन इज़ फ्रेश, जूसी है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल नो कंप्लेंट्स। ऑल्सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे यू विल गेट एल्कोहल एज वेल, एल्कोहल कॉकटेल्स वगैरह आपको सब मिलेगा और ऑब्वियसली यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। अब बैठने के लिए यहाँ पे अंदर आपको एसी सेक्शन भी है, देन यू हैव द आउटसाइड सेक्शन एज वेल। हम लोग ने अंदर बैठना प्रेफर किया बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी गर्मी है। बाहर देर इज़
a screening and all as well. And at the same time, there is a sweet desserts and chaat counters as well. वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पे बाहर है. Next up, we are going to have the paneer here. For the veg audience, obviously, मैंने non veg तो खा लिया, अभी आपको veg का तो कुछ बताऊँ. बहुत धुआं निकल रहा है उसमें से. This paneer बहुत हरियाली kind of इसमें से taste आ रहा है, because green chutney की preparation है. पनीर बहुत soft है, काफ़ी मोटा पनीर है. Taste quite good. Veg में यहाँ पे पनीर, मशरूम, तंदूरी आलू भी है. नेक्स्ट अप वी हैव पास्ता यार. दिस इज पेने वाइट सॉस पास्ता. इसमें मुझे कॉर्न्स दिख रहे हैं, ब्रोकली भी दिख रही है. मेरे मुंह में चीज़ बर्स्ट हो रहा है, इतना सारा चीज़ है. पास्ता काफ़ी नरम है, कॉर्न्स के साथ ब्रोकली की भी अच्छी खासी टेस्ट आ रही है. वेरी गुड पास्ता. यू कैन टॉप इट विद चिली फ्लेक्स इफ यू वॉन्ट टू. मैं तो चिली फ्लेक्स नहीं डाल रहा हूँ ऊपर से, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. नेक्स्ट अप लेट्स ट्राई दिस वेज तंदूरी आलू. वैसे आई एम नॉट अ वेज पर्सन व्हेन इट कम्स टू बुफे, बट इट्स ओके, आप सबको बताना भी है. बहुत गर्म है. एंड वी हैव मोर एंड मोर क्रिस्पी कॉर्न्स हियर. एंड लेट मी टेल यू, तंदूरी आलू बहुत अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा गर्म था ये, बट टेस्टेड वेरी गुड. सो यू डन विद द स्टार्टर्स नाउ. द ग्रिल वॉज वेरी वेरी गुड. अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने सी फूड नहीं खाया, आई डोंट ईट सी फूड, आई एम अ बिट एलर्जिक टू दैट. मेरी फैमिली ने ट्राई किया, दे डिड फाइंड इट गुड इनफ, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ. अभी हम लोग का यहाँ पे ओवरऑल इफ यू आस्क मी, आई प्रिफर द नॉन वेज स्टार्टर्स अ बिट बेटर. ऑब्वियसली आई एम अ बिट हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, बट वेजिटेरियन बिल्कुल भी बुरा नहीं था. इट वॉज एक्चुअली क्वाइट गुड. द पिज्ज़ाज हम लोग ने जो खाए, वैसे दो वैरायटी के पिज्ज़ाज थे, एक वेज में भी था, एक चिकन में भी था, दोनों बहुत ही अच्छे थे. वेज वॉज अ बिट डिसेंट, बट एट द सेम टाइम जो तंदूरी आलू मैंने ट्राई किया और मैंने पनीर भी ट्राई किया, विच वॉज वेरी गुड. एंड पाइनएपल तो अच्छा था ही. ऑल्सो केजन स्पाइस पोटेटो वॉज ऑल्सो गुड. ओवरऑल द ग्रिल वॉज वेरी इंप्रेसिव. अब थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं और हम लोग मेन कोर्स खाएंगे. एंड इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो टिल नाउ, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. लेट्स गो एंड गेट सम मेन कोर्स. Here I have taken only veg. आप नॉन वेज मैंने आपको दिखा दिया. नॉन वेज में आपको मटन की ग्रेवी मिलती है, चिकन मिलती है, चिकन बिरयानी मिलती है आपको, अंडे में भी कुछ मिलता है. Here I have gone with only veg. यहाँ पे मैंने ले लिया अपने लिए मंचूरियन, पनीर की भाजी. I have noodles here, rice. I have gone with plain roti. सबसे पहले let's see how the main course का पनीर is. पनीर काफ़ी नरम है. ओह माय गॉड, ये जो पनीर की भाजी है बहुत ज़्यादा अच्छी है. इट्स मोर ऑन द क्रीमियर साइड. पनीर इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, काफ़ी क्रीमी है, एकदम थिक ग्रेवी है, पतली बिल्कुल भी नहीं है. राइस यहाँ पे आपको स्टीम मिलेंगे, वेज पुलाव मिलेगी, चिकन बिरयानी भी मिलेगी, बट दिस पनीर की भाजी इज़ फैंटास्टिक. वैसे यहाँ पे हर तीन तीन महीने में मेन्यू बदलता है, आप जोमेटो पे चेक कर सकते हो. दैट्स वॉट आई रेड, आई कैन बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नाउ लेट्स टेक सम ऑफ दैट मंचूरियन हियर. काफ़ी रेड काइंड ऑफ मेरे को ये ग्रेवी लग रही है मंचूरियन की. लेट्स टेक नूडल्स हियर एज वेल.
Manchurian balls are decent. They're not like the best. They would have been more crispy, I feel. The noodles are very good. A bit on the oilier side. The main course is good. As I'm a more of a starters person, I'll give a benefit of the doubt to the starters. But the main course is very, very good. You are the judge. Janta Janardan, aap khud aake try kariye. Isko khate hain. Then bhai dessert ka to menu bada hi zabardast hai. Wo aapko dikhata hu. तो यहाँ पे हम डिज़र्ट लेके आ चुके हैं एंड देर आर लॉट्स ऑफ पेस्ट्रीज, ब्राउनीज, मैंगो चीज़ केक, गुलाब जामुन और जलेबी तो मैंने आपको दिखाई दी. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई गुलाब जामुन. थोड़े ज़्यादा स्वीट लग रहे हैं मुझे, बट काफ़ी अच्छे से इनको कुक किया गया है. अंगूरी गुलाब जामुन है, हल्के से ज़्यादा स्वीट होते ही हैं, बट या वेरी गुड. नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू ट्राई द दूधी हलवा. ऑन द अदर साइड दूधी हलवा मुझे बिल्कुल भी स्वीट नहीं लगा. आई डोंट फाइंड इट इवन मिनिमम स्वीट टू बी ऑनेस्ट. ओके, नॉट द बेस्ट दूधी हलवा टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है. वी आर गोइंग टू हैव दिस चॉकलेट ब्राउनी. द ब्राउनी इज ड्राई टू बी ऑनेस्ट. इट्स स्वीट इनफ, चॉकलेट का टेस्ट है, बट द ब्राउनी का जो केक है वो मुझे ड्राई लग रहा है. विल ट्राई दिस स्ट्रॉबेरी इन्फ्यूज्ड डिजर्ट. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. गुलाब जामुन के पीसेस कट करके ऊपर से स्ट्रॉबेरी कंपोट डाल दिया हो, समथिंग यूनिक एंड वेरी नाइस. नेक्स्ट अप दिस इज गुलकंद पेस्ट्री. गुलकंद पेस्ट्री कमाल है. जो क्रीम है उसमें गुलकंद का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है. ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है. ऑन द अदर एंड ब्राउनी वॉज अ बिट ड्राई, लव्ड इट. नेक्स्ट अप विल ट्राई चॉकलेट पेस्ट्री हियर. डार्क क्रीमी, दो लेयर्स हैं इसमें चॉकलेट के, वेरी नाइस. लास्ट थिंग इज मैंगो चीज केक हियर. टू बी ऑनेस्ट दिस मैंगो चीज केक हैज टू बी द बेस्ट वन आई हैड. मैंगो का काफ़ी अच्छा खासा स्वाद आ रहा है. द क्रस्ट ऑफ द चीज केक इज वेरी गुड. दिस वन हैज टू बी द परफेक्टली स्वीट, फ्रेश एंड डिलिशियस डिजर्ट ऑफ देम ऑल. सब अच्छे हैं, ऐसा खराब कुछ नहीं है, बट ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी. लव्ड इट. लास्ट थिंग विल बी दिस जलेबी. एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम रसीली, बहुत अच्छी. लव द डिजर्ट यार. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो फ्रॉम कारवा. मेन्यू बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. आई वुड गिव एन अपर रेज टू द एपेटाइजर्स. आई एम अ मोर ऑफ एन एपेटाइजर्स एंड डिजर्ट्स पर्सन. द मेन कोर्स वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग. एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आप आके खुद यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से रहेगी कि आप आने से पहले एक दो दिन पहले बुकिंग करवा दीजिए. ये बहुत फुल रहता है. एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इनके पास बैठने के लिए आउटडोर सीटिंग भी है, जिसमें से फेरी लाइट्स लगे होते हैं, येलो बल्ब होती है, उसके साथ सामने क्रिकेट या फुटबॉल की स्ट्रीमिंग भी चल रही थी, विच वॉज वेरी नाइस, विच वॉज समथिंग न्यू. दैट वॉज इट. अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो लाइक कर दो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को बेल आइकन को हिट कर दीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज. पीस.